हेलो गाइज, आपका टॉप ग्रेड अकेडमी का स्वागत है। हमने मैथ के और रीजनिंग की प्रैक्टिस शेडो को शुरू कर दिया है। इस चैनल का हिस्सा बनने के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आज का प्रैक्टिस सेट मैथ का शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट हमारे 7 पीछे हो चुके हैं, 8वां हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। 8वां प्रैक्टिस सेट क्या है? 8वां क्वेश्चन नंबर पहले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 53 कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है। एक वर्ग है हमारे पास, एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है। वर्ग कौन सा होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा की लंबाई बताइए। अगर विकर्ण 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसकी भुजा पूछ रहा है। भुजा हमारी ये होती है। तो वहां पर जब पाइथागोरियन प्रमेय से कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार ही लंब भी हो गया, आधार ही हो गया, कर्ण ही हो गया। कर्ण कितना हमारे पास? 10 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये 100 हो गया आपके पास। ये कितना हो गया? 2 ए स्क्वायर। अगर 2 का भाग देते हैं कितना आएगा? 50। ये कितना हो गया? ए स्क्वायर। तो 2 का हमने भाग दे दिया तो ए बराबर आ गया 5√2। ये तो हम पाइथागोरियन प्रमेय से कर सकते हैं। तो हमें पाइथागोरियन प्रमेय से नहीं करना, हमें क्या करना है? इसका सीधे इसमें √2 का हम भाग दे देंगे। इसमें भुजा जो होती है वो कण की जो विकर्ण होता है, विकर्ण का √2 होती है भुजा हमारी। इस सीधे को याद रखना, भुजा जो है विकर्ण का √2 होती है। तो हमें भुजा निकालनी थी। भुजा कितनी थी हमारे पास? ए है, 10 दे रखा है, √2 से हमें भाग देना है। जब √2 का भाग देंगे, 2√2 का √2 गुणा करेंगे तो ऊपर 10 और √2 नीचे, और √2 के नीचे गुणा करेंगे तो कितना? 2 हो जाएगा। कितना है भुजा हमारी निकल के आई? 5√2। आपको सीधे ऐसे निकालना है। आप पाइथागोरियन प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हो। ये सीधे याद रखें, भुजा जो होती है विकर्ण का √2 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ऑप्शन आपका इसमें से हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि अगर एक बिक्री किए जाने पर 1000 के अंकित मूल्य पर 40% छूट होती है, लेकिन बिक्री केवल 510 पर की जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलती है? 1000 के अंकित मूल्य पर 40% छूट की जाती है तो, लेकिन बिक्री केवल 510 में की जाती है, तो अतिरिक्त छूट कितनी हो गई? जबकि वस्तु हमारे पास 1000 रुपये की है, आपने इसको 40% डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु 600 रुपये बिकनी चाहिए थी। 1000 रुपये वस्तु थी, आपने इस पर 40% डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु 600 की बिकनी चाहिए थी, लेकिन वस्तु उसने कितने की बेची है? 510 रुपये की बेच दी। 510 रुपये की 600 रुपये चाहिए, तो उसमें कितना अतिरिक्त और छूट मिल गई? तो 90 रुपये छूट और मिल गई उसको। कितने रुपये? 600 रुपये पर 90 रुपये छूट और मिल गई उसको × 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से भाग दिया, कितना? 15% की छूट उसे अतिरिक्त और मिल गई। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका इसमें से? ए। एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। उसने 1000 रुपये की वस्तु थी, उसे 40% डिस्काउंट 600 रुपये की बेचनी थी। 1000 रुपये उसको 40% डिस्काउंट 600 की बेचनी थी, लेकिन उसने क्या करा? उसने उस वस्तु को 510 में बेच दिया, तो उस ग्राहक को कितने रुपये छूट और मिल गई? 600 की थी, 510 की प्राप्त हो गई ग्राहक को, तो उसे 90 रुपये और छूट कम मिल गई। 90 रुपये कम मिले उसे, किससे मिले? 600 रुपये में अधिक कम, 600 रुपये कम मिले। परसेंट निकालने के लिए 100 को गुणा कर देते हैं, जब परसेंट निकालते हैं तो परसेंट निकाल, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिए, 6 से 15। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। 15% की उसे अतिरिक्त छूट और मिल लगी, 6 से 15 मिली, फिर बाद में उसे 15% की छूट मिल गई। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 9 और 45 के तीसरे अनुपात बताइए। मतलब 9 और 45 दो संख्या दे रही है, 9 और 45, ए और बी दो संख्याएं हैं। जब कोई तीसरा अनुपात पूछता है, तीसरा अनुपात, तो तीसरे अनुपात निकालने के लिए जो दूसरी संख्या होती है हम उसका स्क्वायर करते हैं और पहली संख्या से भाग दे देते हैं। जब कभी भी तीसरा अनुपात पूछेगा तो हम दूसरी संख्या उसका स्क्वायर करेंगे और पहली संख्या से हम भाग दे देते हैं। तो दूसरी संख्या कौन सी हमारा? 45। 45 × 45 हो जाएगा, और 45 का वर्ग दे रखा, और दूसरी पहली संख्या से क्या करते हैं? हम भाग दे देते हैं। जब हमारा तीसरा अनुपात निकल के आता है, तीसरा अनुपात कितना आया? अब 3 से 3 बार काट दिया, 3 से 45 15 बार काट दिया, 3 से 45 फिर हमने 15 बार दोबारा काट दिया,
तो 15 का 15 का वर्ग हो गया, 15 वर्ग कितना होता है 225। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से बी। ये तो रहा आपका तीसरा अनुपात। इसी पर मध्य अनुपात पूछा जाता है, कभी चौथा अनुपात पूछता है, कभी द्वितीय अनुपात पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट में कराते जाएंगे, और नहीं हमारी क्लास में मैथ की शुरू हो चुकी है, उस पर आपका पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, ऑनलाइन सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं नेक्स्ट। तो 39 छात्रों के एक वर्ग में, 39 छात्र हैं टोटल स्टूडेंट, कितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 39। इसमें कह रहा है कि 26 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं इसके पास, इसका गर्ल्स है हमारे पास 26, और बॉय कितने बचे, तो बॉय हमारे पास बचे 13। 26 लड़कियां होगी और बॉय कितने हो गए 13। आई कह रहा है कि इस लड़कियों का औसत दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है इनका 42, और जो पूरी क्लास का एवरेज है 48। कितना है पूरी क्लास का एवरेज 48। तो हम पूरी क्लास का क्या निकालेंगे, टोटल सम निकाल लेंगे पूरी क्लास का। हम पूरी क्लास का टोटल सम निकालेंगे, 48 में कितने होते हैं 432, 432 का कितना आया 2, हासिल लगे 43। 48 किया 144 और 43 187, ये पूरी क्लास का क्या आ गया सम आ गया। अब इस लड़कियों का सम निकालेंगे, लड़कियों का वजन का योग कितना है, तो 26 दूनी कितने होते हैं 52, 52 के 2 हासिल लगे 5, 26 चौका 104, 104 और 5 109, जो लड़कियों का वजन आ गया टोटल, और जो पूरी क्लास का वजन आ गया, या पूरी क्लास के वजन में से लड़कियों का वजन माइनस कर देंगे तो लड़कों का वजन निकल के आएगा टोटल। टोटल सम ऑफ बॉय कितना होगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, अगर 1 या 2 में से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, और 7 में से 9 कितना आएगा, 7 और 9 6 8, 8 आ गया, और 17, 17 में से 7 आ जाएगा। इसका एवरेज पूछा है लड़कों का, लड़कों का एवरेज कितना आएगा, 780 में से हम 13 का भाग दे देंगे तो 13 से 78 60 एवरेज आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन हो गया आपका सी, ये टोटल लड़कों का औसत कितना है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 57 कह रहा है कि अगर एक साड़ी का मूल्य कितना दे रखा है, 2880 में बेची जाती है, मतलब उसको सेलिंग प्राइस दे रखा है 2880 में बेची जाती है, तो विक्रेता को 10% का नुकसान होता है, लॉस कितना होता है उसे 10% का होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्टिंग प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य, जो वस्तु खरीद के लाया था दुकानदार, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे कितने में खरीद के लाया था, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे या अंकित मूल्य कह सकते हो उसे आप, तो उसे एक्स में खरीद के लेके आया 10% कम लाख कम हो रहा है, तो 10 90 बट्टे कितना 100, कितने बेची थी उसे 2880 में बेची थी। अब हम क्रय कॉस्टिंग प्राइस निकालेंगे, तो 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा 90 नीचे आ जाएगा, 2880 इंटू 100 बट्टे 90, 0 से 9 से काट दिया, 9 से काट दिया, 9 3 27, 9 2 18, 3200 रुपये की उसकी कॉस्टिंग प्राइस थी। अब कह रहा है कि उसे उसे 20% लाभ हासिल करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, अगर 3200 का 20% निकाल लेते हैं हम, 120% निकाल लेते हैं सीधा सीधा, 3200 का 20% प्रॉफिट बेच जा रहा है, 120 बट्टे 100, 2 0 से 2 0 काट दिए, 1 0 का 0 आ गया, 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगे 2, 12 3 36 और 2 38, तो सब कितनी बेचनी चाहिए वस्तु, 38 40 में बेचनी चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो गया बी, अगर वो उसे 3840 में उस साड़ी को बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 58 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले, तो हम भूगोल में 9 अंक मान लेते हैं, जियोग्राफी में एक्स मिला, जो हिस्ट्री में जो मिला है उसे जियोग्राफी से 9 अंक अधिक मिला है, तो जो हिस्ट्री में कितना हो गया 9+x टी हो गया। अब कह रहा है कि उसके इतिहास के अंक इतिहास और भूगोल के अंकों का योग का 56% है, उसके इतिहास के जो अंक हैं, इतिहास और भूगोल के अंकों का योग जो है उसका 56% है, 56 बट्टे 100 करते हैं परसेंट दे रखा, तो कह रहा है कि इसमें उसके भूगोल के अंक क्या हैं, तो उसके जियोग्राफी के अंक पूछा कि जियोग्राफी का अंक क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हिस्ट्री वैल्यू कितनी देखिए 9+x दे रखी है,
हिस्ट्री करेंगे 9 प्लस x, और जियोग्राफी वैल्यू कितनी है x, यहाँ से दोनों पुट कर देंगे, वैल्यू कितना आएगा 9 प्लस 2x इंटू, ये हम 4 से काट देंगे, 4 से गया आपका 25 बार, ये 4 से गया आपका 14 बार, 4 से 12 से 14 बार कट गया आपका, ये कितना आया 14/25, 25 को गुणा कर देंगे 9 में, कितना हो गया 225 प्लस 25x इज इक्वल टू 14 126 प्लस 16 28x। अब इसकी वैल्यू उधर ले आएंगे, इसकी वैल्यू उधर पहुंचा देंगे, अब इसकी वैल्यू इसमें घटाएंगे कितना आएगा 99, इसमें उधर ले आएंगे कितना आएगा 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आया 33, आपकी जियोग्राफी के अंक कितने आ गए 33, और हिस्ट्री के अंक कितने आ गए 33 में 9 जोड़ दो कितना आ गया 42, और हिस्ट्री के अंक कितने आ गए आपके 42। तो कह रहा है कि इसके भूगोल के अंक बताइए, ऑप्शन कौन सा हो गया डी, भूगोल के कितने आए हमारे पास 33 अंक आए। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 59 कह रहा है कि 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतों से 6 घंटे अधिक समय लगता है, एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतों से 6 घंटे अधिक समय लगता है, तो स्पीड कितनी है, दूरी कितनी है हमारे पास 720 किलोमीटर की, एक एक्सप्रेस है और एक दुरंतो है, दोनों है, तो कह रहा है दुरंतो से 6 घंटे अधिक लेता है, एक्सप्रेस क्या लेती है अधिक लेती है, तो स्पीड पहले फिर आगे कह रहा है 6 घंटे अधिक लेती है, अगर स्पीड ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए तो दुरंतो से 2 घंटे कम लेती है, अगर एक्सप्रेस की इसकी 6 घंटे अधिक लेती है, ये कितनी लेती है 6 घंटे अधिक लेती है प्लस 6 घंटे, और जब दुरंत जब एक्सप्रेस की गति कितनी कर दे दोगुनी कर दें, अब इसकी गति क्या कर दें दोगुनी, पहले इसकी गति बी थी अब इसकी गति दोगुनी कर दें 2b कर देते हैं, तो क्या 2 घंटे कम समय लेती है, कितने लेती है 2 घंटे कम समय लेती है, तो एक्सप्रेस की स्पीड का रेशियो कितना आ गया, पहले बी स्पीड थी कि 2 हो गई, तो स्पीड का रेशियो कितना है इसकी बी रेशियो 2b, बी से भी काट दिया 1:2, स्पीड जो होता है वो समय का व्युत्क्रम होता है 1/s/t, एस हमारा डिस्टेंस है, टी टाइम है, बी हमारा वेलोसिटी है, तो बी होता है हमारा स्पीड का दोगुना व्युत्क्रम होता है, तो टाइम कितना होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 2:1, तो पहले टाइम कितना रहा 2:2 था, अब टाइम कितना हो गया 1:1 हो गया, तो अंतर कितना है इसका एक, ये कितना दे रखा 6 और -2, अगर दोनों माइनस के होते हैं अगला डिजिट के होते हैं घटाते हैं सम को जोड़ते हैं, तो 6 और 2 कितना हो गया 1 यूनिट बराबर 8 घंटे आ गया, 1 यूनिट बराबर कितने घंटे आ गए 8, तो पहले उसे कितने घंटे लग रहे थे 8 × 2 = 16 घंटे लग रहे थे एक्सप्रेस को, जब उसकी स्पीड दुगनी करी तो उसे कितने घंटे लग रहे थे 8 घंटे लग रहे थे, तो रियल टाइम कौन सा था जब उसे 6 घंटे अधिक लग रहे थे, अगर 16 में 6 माइनस कर देंगे तो 10 घंटे स्पीड नॉर्मल थी, अगर 2 घंटे कम लग रहे हैं तो स्पीड पहले टाइम कितना था उसका पहुंचने का 10 था, रियल टाइम कितना हमारे पास 10 था एक्सप्रेस का, अब क्या कर रहा है तो उसकी स्पीड दूरी दे रखी है, उसकी चाल पूछ रहा है दूरी कितनी हमारे पास 720, और रियल टाइम कितना निकल के हमारे पास 10 आ गया, क्योंकि 6 घंटे अधिक ले रहा है तो 16 में 6 माइनस कर देंगे 10 आएगा, और 8 घंटे कम दे रहा है तो 8 जोड़ देंगे कितना आ गया 10 आ गया, अगर 72 में 10 का भाग देंगे समय कितना है 10 घंटे था रियल टाइम, तो कितना है 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये क्या आ गया हमारे पास रियल स्पीड आ गया एक्सप्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 60 कह रहा है कि 1000 में 1 साल के 10% चक्रवृद्धि दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से ले गए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से जब 1000 रुपये को 10% की ब्याज से दे रहा है, तो वार्षिक कितनी 10% की ब्याज से 10 × 1 तो 10% होगा वार्षिक के रूप से, अब अर्धवार्षिक क्या होगा उसका समय दोगुना हो जाएगा, 10 दर कितनी जाएगी उसकी आधी हो जाएगी, उसकी जो दर है वो उसकी आधी हो जाएगी और समय दोगुना हो जाएगा, तो दर कितनी होगी 5 अर्धवार्षिक रूप से, दर आधी हो जाती है और समय दोगुना हो जाता है, तो समय कितना हो गया 2n हो गया उसका 2 ईयर, यहाँ पे कितना था 1 ईयर, 10% निकल के आया, अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 5 + 5 + 5 × 5/100 तो कितना आया 10:5
25% आ गया, ये कितना 10%, तो इनका अंतर कितना है 0.25% का अंतर है वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में, 0.25% ब्याज अंतर है। तो 1000 पर 0.25% वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1000 इंटू 0.25% बट्टे 100, और परसेंट आएंगे इसका गुणा करेंगे, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, 25 का गुणा करेंगे 10 में, तो कितना आएगा 250 आएगा, अंक 0.2 अंक बाद आएगा तो कितना हो गया 2.5 रुपये आएगा। उसकी वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज का अंतर कितना है 2.5, ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अगर एक गैर शून्य संख्या है, एक गैर शून्य संख्या एक्स है, गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करा हमने, संख्या व्युत्क्रम करेंगे तो एक्स बट्टे चार, इसका व्युत्क्रम संख्या का योग दे रखा है 17/2, एक संख्या है उस संख्या के व्युत्क्रम का चार गुना, संख्या व्युत्क्रम का चार गुना व्युत्क्रम करनी थी, 1/x हो गया और इसका क्या है चार गुना का योग दे रखा 17/2। तो उसने पूछा है कि वह संख्या कौन सी है, एक संख्या है उसका व्युत्क्रम का चार गुने का योग दे रखा है 17/2, तो संख्या निकालेंगे एक्स और फू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x इसका इंटू 17/2, दो गुणा कर देंगे 2x² इसका इंटू 8 17x, इधर ले आएंगे हम 2x² माइनस 17x प्लस 8 इजकल टू, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 16 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 17, तो 2x² माइनस 16x माइनस x प्लस x इजकल टू 0। तो यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे हम, 2x कॉमन आ गया हमारे पास, कितना बचेगा x माइनस 8, या माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 8 इजकल टू 0, एक्स माइनस 8 कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर बचेगा 2x-1 इजकल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 8 आ गई और 1/2 आ गई, ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, क्वेश्चन 64 कह रहा है एक समांतर श्रेणी का 5वां और 9वां पद दे रखा है, एक समांतर श्रेणी है आपके पास, एक समांतर श्रेणी में 5वां पद, अगर 5वां पद दे रखा था उसे 1+4d मानेंगे, एक कम कर देना है, ये तो चलेगा चलेगा, जो 5वां पद होगा 4d मानेंगे, d क्या होता है अंतर होता है, जो संख्या में सीरीज होती है, तो सीरीज दे रखी थी, d होता है अंतर संख्या में, ये होता है पहला पद, कितना देगा 5वां पद दे रखा है 7 और 9वां पद दे रखा है 9वां पद है तो हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, ये तो आएगा हमारे पास, इसकी जगह 8 कर देंगे 9 की जगह, डी 8d दे रखा है हमारे पास 13, अब दोनों से माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो ए से ए कट जाएगा, 8d में से 4d गया तो 4d बचेगा और 13 में 7 गया तो कितना बचेगा 6, तो d इक्वल टू कितना आया पास 3/2। अब d का मान जहाँ रख देंगे हमारे पास, तो a का मान निकल आएगा, a का मान जो आएगा प्लस 4 × 3/2, 2 से 6 = 7, a का मान कितना निकल गया हमारे पास 1, तो पहला पद कितना आया हमारे पास 1 आ गया और अंदर कितना आया सीरीज का 3/2 आ गया। उसने कहा कि 15वां पद बताइए, तो टी एन पूछा 15वां पद, ये हमारा टी 5वां पद दे रखा था और ये हमारे पर टी 9वां पद दे रखा था टर्म ऑफ, तो 15 पूछा 15 कौन सा होगा 1+14d होगा, ऐसे एक कम करके लेना है हमें, जब 15 था जहाँ 5 था तो 4d लिया, 9 था तो 8d लिया, 15 तो 14d लिया, ये हमारे पास पहला पद होता है सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है, तो ए कितना हमारे पास 1 दे रखा है प्लस 14, डी कितना आया पर 3/2 आया था, 2 से 7 काट दिया कितना आ गया 15वां पद आ गया सीरीज का 22, ऑप्शन हो गया इसमें से ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, क्वेश्चन 68 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण पर है, एक त्रिभुज दे रखा है उसमें और फिर उसने बोल दिया कि B क्या समकोण पर है, उसने बोला कि B समकोण पर है, त्रिभुज ABC है, BD उसकी ऊंचाई है, BD क्या उसकी ऊंचाई है,
जी बी डी होगी उसकी ऊंचाई। ए डी की लंबाई 4 है, अगर ए डी कितनी आ रहा है, 4 दे रखी है, और डी सी कितनी दे रखी है, 9, डी सी 9 सेंटीमीटर है। तो बी डी की पूछिए बी डी क्या होगी, जब उसने बोला कि यह समकोण पर है बी, या इस त्रिभुज को हम ऐसे बना सकते हैं, इसकी ऊंचाई होगी जो हमारे पास ए और डी, ये हमारे पास ए डी 4 दे रखा है, और ये बी सी और डी सी दे रखा है हमारे पास 9। तो उसने बी डी पूछा है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो उसने इस प्रकार पूछा, समकोण त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई मैंने एच, ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होती है एच। तो हमें क्या करना है, इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 एच का स्क्वायर, या 1/2 ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी होता है फार्मूला। अगर क्षेत्रफल यहाँ पर भी ऊंचाई दे रखी है, इसके आधार पर निकालेंगे तो 1/2 एच स्क्वायर होता है, और इस आधार पर निकालेंगे ए डी इंटू बी डी होता है, इसकी ऊंचाई इसके बराबर होती है 1/2, 1/2 से 2 कट गया, एच उसका की वैल्यू हमें निकालनी है, एच की वैल्यू। ए डी कितना हमारे पास 4 है, और बी डी कितना है 9, तो हम एच स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2 × 3, कौन स्क्वायर हटा दिया इसका, 2 4 का स्क्वायर 2 होता है, 9 का स्क्वायर 3 होता है, तो एच कितना हमारे पास 6, ऑप्शन हो गया आपका 6 सेंटीमीटर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, 69 क्या कह रहा है, 69 कह रहा है कि टेन 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 का मान बताइए। टेन 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान, टेन 45 का मान कितना होता है हमारे पास, टेन 45 का मान होता है 1, कोसेक 60 का मान होता है साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और साइन √3/2 को उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा, 2/√3 आएगा, कोसेक का साइन का उल्टा होता है, इसका इंटरवल गुणा कर देंगे तो √3/2/√3, और √3 का कंजुगेट गुणा करेंगे तो √3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 + 2√3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमने इसमें कंजुगेट गुणा कर दिया है 1/√3, और √3 को गुणा कर दिया, इसमें गुणा करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे 2√3 हो जाएगा, √3 √3 तीन ही हो, 3 होता है। क्वेश्चन 71 कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा 17/8, तो कॉट थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इसे पाइथागोरस को प्रमेय से करेंगे, तो पाइथागोरस क्या होता है, लाल कक्का होता है, आपने पढ़ा भी होगा लाल कक्का, ये हमारा साइन होता है, ये क्या होता है कोसेक, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है सेक, ये क्या होता है हमारे पास टेन, और ये होता है कॉट। तो कोसेक इसको दे रखा 17/8, तो कोसेक आधार बट कर्ण बट्टे लंब, पहले कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण बट्टे लंब होता है, पहला कौन सा 17, और कर्ण लंब कितना हमारे पास 8, तो आधा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, 17 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो 15 निकल के आएगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करोगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो हमारा आधार कितना 15 आएगा। अब उसने कॉस थीटा की वैल्यू पूछी, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना दे रखा है 15, और लंब कितना हमारे पास 8, आपका आंसर, आंसर कौन सा होगा इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 70 कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में 22 समकोण पर है, त्रिभुज एक त्रिभुज दे रखा है एक्स वाई, तो उसमें क्या कि बाई समकोण पर है, बाई किस पर है समकोण पे, और जेड का मान दे रखा है 60, अगर कॉस जेड का मान कितना दे रखा है 60, ये समकोण पर है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया बचा कुचा 30 डिग्री, ये कौन सा हमारे पास जेड दे रखा है, ये बचा कुचा कौन सा हो गया एक्स, और जेड हमारा 60 डिग्री दे रखा है, तो पूछा उसने कुछ एक एक्स, तो एक्स जेड कितनी हमारे पास 30 डिग्री है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान पूछा है, कोसेक क्या होता है साइन का अपोजिट होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कोसेक 30 का मान कितना होगा 2, आंसर कौन सा हो गया आपका ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 72 करा है कि जो ऊपर डायग्राम, और डायग्राम के आधार पर इन सारी वैल्यू को हम प्राप्त करना है। जो डायग्राम ऊपर साइड में दे रखा है कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई दे रखी है, आपके साइड में डायग्राम के साइड में लिखा हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई, जो कमाई आपके करोड़ों में दे रखी है बॉक्स ऑफिस में। ए बॉक्स ऑफिस है, बी ओ सी डी ई एफ, चार आपके बॉक्स ऑफिस हैं। अब कह रहा है कि बॉक्स ऑफिस ए पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से दूसरे स्तर पर कौन से, सबसे अधिक कौन से कर रही है, सबसे अधिक कर रही है पहला ई, सबसे अधिक ई कर रही है जो 200 बॉक्स ऑफिस 200 करोड़ कमाती है, और दूसरे नंबर पर कौन है, सी कितना कमाती है, 150। तो उसने दूसरे नंबर पर पूछे कौन से कमाई करती है फिल्म, तो सी कौन सी, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन में बी का कौन सा हो गया, सी, फिर 72 का हो गया बी, ऑप्शन सी। तो सी सबसे ज़्यादा कमाई करती है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारी ई हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 73, क्वेश्चन में 73 कह रहा है उसी डायग्राम पे आधारित क्वेश्चन है। तो फिल्म डी की कमाई फिल्म बी की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, मतलब फिल्म डी की जो कमाई है बी की तुलना में कितनी कम है। अब फी डी की कमाई कितनी है, डी की कमाई दे रखी है 30 करोड़, और बी की कितनी दे रखी है, 50 करोड़। तो डी की कितनी कमाई, इससे 20% कम, 20 करोड़ कम है, 20% किस डी की तुलना में। तो उसने बी की तुलना में पूछा है, मतलब 50 की तुलना में पूछा है, बट्टे 100, तो कितने परसेंट कम है, 50 से दो बार काट देंगे, 40% कमाई क्या है इसकी कम है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, बी। 73 कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 74 इसी का, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि फिल्म सी की कमाई किन फिल्मों की संयुक्त कमाई के बराबर है, मतलब फिल्म सी की कमाई कितनी है, 150। अब कह रहा है कि किन दो फिल्मों के बराबर 150 करोड़ बैठ सकता है, तो 150 करोड़ किन के बराबर है, ए और बी के बराबर दिख रहा है आपको ऑप्शन ऊपर, और भी इसने ई भी नहीं दिया, लेकिन इसने तीन चार ऑप्शन दिए हैं। पहले कह रहा है एफ ए डी, एफ ए कितनी देगी हमारे पास, 70 दे रखी है, ए की कितनी हमारे पास, 100। अगर हम एफ और ए को लेंगे तो 170 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है बी डी एफ, आपने बी को लिया, बी कितना हमारे पास, 50, डी कितना है, 30, 50 और 30 कितना हो गया, 80, और एफ को जोड़ा, 50, 30, 80 और 70 कितना हो गया, 150। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, 74 का बी, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी डी और एफ की कमाई जोड़ती हैं, बी की कितनी हमारे पास कमाई, 50, और डी की कमाई कितनी हमारे पास, 30, और एफ की कमाई हमारे पास 70, और तीनों कमाइयों को जोड़ते हैं 150 करोड़ बैठता है, जो कि किस कमाई के बराबर है, जो कि सी की कमाई के बराबर है। ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, बी। क्वेश्चन 75, क्वेश्चन 75 पढ़ लेते हैं, इसी डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि यदि निर्माता का बॉक्स ऑफिस पर हुई कमाई का 60% भाग प्राप्त होता है, अगर निर्माता का बॉक्स ऑफिस कमाई 60, तो ए और बी के निर्माता को कितनी कमाई करोड़ में मिली, तो बॉक्स ऑफिस पर 60% भाग प्राप्त होता है, तो ए और ई को निर्माता कितनी मिली। तो मैं पहले 60% निकालेंगे, फिर ए का निकालेंगे, पहले पूरी टोटल कमाई कितनी हमारे पास बॉक्स ऑफिस पर, 70, 150, 300, 330 और 400, 500, 600 रुपये कमाई होती है, 600 करोड़, 600 करोड़ कमाई होती है टोटल, लेकिन जो जो निर्माता है उसे कितना परसेंट मिलता है, मात्र 60% भाग मिला है, बाकी उसने टैक्स वगैरह जो भी होता है, रेवेन्यू वगैरह उसमें सब में चला गया उसका, जो भी XYZ, मतलब उसको 600 करोड़ का 60% मिला है, 7/100% उसे मिला है कमाई। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, तो 6 दिन 36 कितना आया, 360 करोड़ मिले उस निर्माता को। अब कह रहा है कि 360 करोड़ मिलने के बाद ए और ए की कमाई कितनी होगी, और ए और ए की कमाई कितनी होगी, ए कितना आपका 100 पर, ए और ए की कमाई पूछा उसने कितनी होगी, तो हम 100 में से 60% करा दें या 70 में 60%, ए और ई 300, जब 600 का हमने 50% 60% निकाला था, ए की कमाई कितनी है, 100 करोड़, और ई की कमाई कितनी है, 200 करोड़, तो कितना हो गया हमारे पास, 300 करोड़। और 300 करोड़ का हम 60% निकाल लेंगे, जो कि उसके निर्माता को प्राप्त हुआ, इन फिल्मों के आधार प्राप्त होगा, बट्टे 100, कितना आएगा, 180 करोड़, ऑप्शन हो गया आपका इसमें से सी, या इसका भी आधा कर देते, क्योंकि पूरी कमाई पे से 360 मिल रहा है, 300 करोड़ थी, इस 600 का आधा हो गया, जब पूरी कमाई पे मैं 360 आ रहा था, इसकी 300 आधी कमाई भी कितना आएगा, 180 करोड़, इससे भी हम ऑप्शन कर सकते थे। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी। ये तो आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट रहे, इसी प्रकार कल मिलते हैं हम मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हमने शुरू भी कर दिए हैं, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बस, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।